हम अपना बच्चा बेच नहीं रहे। खरीदा था तो बेच भी सकते हो ने। हेलो दोस्तों, राम राम। दुकान इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। दुकान बहुत अच्छी है। ट्रेलर देखने के बाद में आपको भी पता चल जाएगा। तो पहले हम ट्रेलर को स्टार्ट करते हैं। तेरी मेरी लव स्टोरी में ने ट्रेंगल छे ट्रेंगल छे आ देख पापा मम्मी अने मैं बड़ा बच्चा हो पैदा तो मैंने किया ने गुजराती है। हेलो एवरीबॉडी, सेटल डाउन सेटल डाउन प्लीज सेटल डाउन। बच्चा पैदा करना बड़ा काम छे है। हर एक से नहीं होता। मैं हूँ इंडिया की फर्स्ट चाइल्ड मशीन। नो इमोशन ओनली प्रोफेसर। और बच्चों की दुकान चलाते हैं उम्मीदों की दुकान जैसे। अरे करंट लग जाएगा। करंट को करंट लगता है क्या? जोड़े से मिलवाती पागल हो गई से किसी और बच्चा पैदा करेगी। वो तो टेंशन ही तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लगाव ज्यादा होता है ना घाव भी ज्यादा होता है। जब उसके पेट में था तो बेबी आपका पेट है। सरोगेसी करवाई थी ना सर। मोहन लागे मोहन को से ऐसी कोई सूरत कर दे। कभी कभी ने मिट्टी जड़ को पकड़ ली थी। यारे शमसे मखमल कर दे पत्थर की मोहन। आईना कैसे देखती है तू? सुरमा लगा के। हम अपना बच्चा बेच नहीं रहे। खरीदा था तो बेच भी सकते हो ने। अभी सुनी का आपने मेरी कहानी। आओ जो पांच चार 2024 को ये मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। मूवी बहुत अच्छी होगी। इसमें शरीफ के बारे में बताया जाता है क्योंकि एक मिमी मूवी आई थी जो कृति सेनन की थी, उसमें और पंकज त्रिपाठी थे, तो उसमें दिखाया जाता है कि वो सेरिक्वेसी से बच्चा पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है और वो बम्बई जाना चाहती है, बहुत ही बड़ी हीरोइन बनना चाहती है। उस मिमी पिक्चर में जो कृति सेनन ने एक्टिंग की थी ना उन्हें पुरस्कार मिला था। ऐसे ये मूवी, इसमें सारे लोग जितनी भी महिलाएं हैं सब प्रेग्नेंट हैं और ये मूवी 5/4/2024 को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो सेरिक्वेसी से वो प्रेग्नेंट होती हैं और वो कहती है कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ। धीरे धीरे 3 मिनट में बच्चा पैदा किया और 3 मिनट में उनको दे दिया, बाकी सब कुछ राम राम, हम किसी को नहीं जानते। पर जब उनके पेट में बच्चा होता है ना तो उनको उनसे लगाव हो जाता है और ऐसा लगाव होता है कि वो बच्चे को देना ही नहीं चाहते हैं। जब वो उनको डांटते भी हैं कि बच्चा तुम खरीद सकते हो तो तुम बच्चा बेच भी सकते हो। मतलब इसमें कुछ अलग ही दिखाया गया, कुछ नहीं सब कुछ इसमें अलग दिखाया गया। शरीफ कैसी के बारे में वो कहते हैं जब मिट्टी जड़ को पकड़ लेती है ना तो फिर वो अलग होने में उसको तकलीफ होती है और वो उसी तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया कि उन्हें उस बच्चे से लगाव हो जाता है और वो अपना बच्चा नहीं देना चाहती किसी को। ये एक गुजराती मूवी है क्योंकि इसमें गुजराती डांस वो भी इसमें दिखाया गया, भाषा भी गुजराती थी और इसमें पूरा ऑल टोटल गुजरात का ही सीन था, सब कुछ गुजराती दिखाया गया। डांडिया होता वो भी दिखाया गया। बहुत खुश होती है वो क्योंकि शायद वो गरीब घर से होती है, वो मैडम के पास जाती है ना जो डॉक्टर होती है, वो कहती है कि तुम अपनी दुकान चला रही हो। वो कहती है दुकान नहीं चला रहे, यहाँ हम सेरिक्वेसी की दुकान हमने खोल रखी है और
जिनके पास बच्चे नहीं होते उनको सारी खुशी से बच्चे पैदा करा के देते हैं, हम दुकान नहीं चला रहे, हम धंधा नहीं कर रहे, वो ऐसे बोलती हैं क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ जाती है उनके साथ में। ऐसा इस टेलर में दिखाया गया। टेलर बहुत अच्छा था, इमोशनल बहुत था वो, उनको किसी लड़के से प्यार भी हो जाता है और वो प्यार करती फिर उसको बाद में झाड़ू लेके मारती है, और जब झाड़ू लेके मारती तो वो उल्टी करने लगती है, और जब उल्टी करती है ना तो कहते हैं कि बधाई हो, और वो गुजराती में उनको गरिया देते हैं कस के। जो निर्माता है सिद्धार्थ गर्मा, आपको देखने को मिलेंगे सिकंदर खेर, मोनका पनवार, सोहम मजूमदार और मोनाली ठाकुर, क्योंकि मोनाली ठाकुर को इसमें बच्चा चाहिए ऐसा दिखाया गया है, और वो उनको बच्चा नहीं देती है, वो कहती है कि तुम जब बच्चा खरीद सकती हो तो बच्चा बेच क्यों नहीं सकती हो, ऐसा टेलर में दिखाया गया। बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े कलाकार दिखाए जाएंगे, और जितना भी ये टेलर था ना सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी से भरा था, कॉमेडी भी दिखाया जाता था, एक माँ और बच्चे का प्यार दिखाया जाता था। शुरुआत में दिखाते हैं, कहते हैं कि ये मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, ये तुम्हारे मम्मी और ये पापा और ये मैं, वो कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है, सीन दिखाई जाती है ये बच्चा मेरा, वो कहती पैदा तो मैंने किया है ना, वो गुजराती बोलती मैंने तो पैदा किया है ना, इसलिए ये बच्चा मेरा है, क्योंकि उनको उस बच्चे से जुड़ाव हो जाता, लगाव हो जाता है। जैसा कि सिद्धार्थ सिंह और गर्मा पहल, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इस मूवी को देखने के लिए आप कितने उत्सुक हैं, क्योंकि जब से इसका ट्रेलर आया है ना खलबली मची हुई है, क्योंकि सारे लोग उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे उनको लगा हो जाता है मिमी में, तो वो छोड़ के चले जाते हैं उनको। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिएक्शन वाइज इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। तब तक के लिए राम राम।